Hi students, welcome to the Zach English Crash Course ZECC 101. We'll be learning about English language and the questions and answer session of the students. We have completed the question and answer session of the students, but there were few questions which were remaining and asked by the students. हम जो सीख रहे थे वो हम सीख रहे थे क्वेश्चन और आंसर सेशन के बारे में. तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे थे. आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने कौन से क्वेश्चंस पूछे थे और हमें उनके आंसर्स देने हैं. तो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे टाइप्स एंड काइंड्स एंड पार्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस. स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछे थे वो थे टाइप्स, काइंड्स, पार्ट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं, उनके काइंड्स कितने हैं, उनके पार्ट्स कितने हैं और उनकी क्लासिफिकेशन सेंटेंस के अंदर क्या है. आइए देखते हैं कि सेंटेंस कितने पार्ट्स के अंदर होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है. आइए देखते हैं उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ज़ेक इंग्लिश क्रैश कोर्स. Okay, the students, the first and foremost sentence in English language, that is the assertive sentence. Assertive sentence, सबसे जो अहम sentence है English language के अंदर वो sentence है assertive sentence. Assertive sentences को English के अंदर दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है. दूसरे नाम उसके हैं assertive sentence, declarative sentence, उसे positive sentence भी कहा जाता है, उसे simple sentence भी कहा जाता है. एक sentence के चार नाम, वन सेंटेंस विथ फोर नेम्स. कौन से फोर नेम्स? असर्टिव, डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव एंड द सिंपल. दीज आर फोर नेम्स, दीज आर द फोर नेम्स ऑफ वन सिंगल सेंटेंस. आइए देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है और उसका यूसेज क्या है. सो द डेफिनेशन ऑफ द असर्टिव सेंटेंस इज दैट, द डेफिनेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस इज सेज दैट, असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो सिंपल स्टेटमेंट बनाता है क्योंकि इट इज अ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि वो खुद सिंपल सेंटेंस है. जब वो सिंपल स्टेटमेंट बनाता है तो वो क्या बताता है उसके अंदर, दे टेल अस समथिंग सिंपल, वो एक सिंपल चीज के बारे में बताता है हमें. गिव्स अस इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन देता है और नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप, और नॉर्मली फुल स्टॉप के ऊपर खत्म होता है. अगर एक सेंटेंस के अंदर अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें फुल स्टॉप नहीं है तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पंक्चुएशन के एतबार से गलत है, क्योंकि पंक्चुएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर. अगर पंक्चुएशन नहीं होगा तो सेंटेंस जो है या तो इनकम्प्लीट डिक्लेयर किया जाएगा, इनकम्प्लीट डिक्लेयर किया जाएगा या फिर रॉन्ग डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि पता नहीं है कि सेंटेंस आगे भी है या यहीं पर खत्म है. तो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमें क्या बताता है, असर्टिव सेंटेंसेस मेक अ सिंपल स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंसेस सिंपल स्टेटमेंट बनाते हैं. एंड दे टेल अस समथिंग सिंपल, वो हमें सिंपल चीजें बताते हैं. गिव अस इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. एंड नॉर्मली एंड विथ अ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप पर एंड होते हैं. आइए देखते हैं कि इसमें नोट करने की बात कौन सी है. असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर जो नोट करने की बात है, द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इन असर्टिव सेंटेंस द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज, जो यूजुअल वर्ड ऑर्डर है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस के अंदर, वो है नंबर वन इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो है वो यूजुअल वर्ड ऑर्डर है एक सेंटेंस के अंदर, जैसा कि हमने सब्जेक्ट के बारे में पीछे पढ़ कर आए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट कौन सा काम करता है हम पीछे पढ़ कर आए हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं. ओके, वर्ड ऑर्डर के अंदर पहला सब्जेक्ट है, प्लस सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, वर्ब जो है उसके दो टाइप्स हैं, मेनली दो टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, बहुत सारी काइंड्स हैं, लेकिन मेनली दो टाइप्स हैं वर्ब्स के. जो दो टाइप्स हैं उन दो टाइप्स के अंदर एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब. मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड जरूर इस्तेमाल होगा या फिर दोनों जरूर इस्तेमाल होंगे. अगर एक भी वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा, वर्ब के सिवा कोई सेंटेंस नहीं बनता. दिस इज द फॉरमोस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्फॉर्मेशन दैट नो सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट वर्ब. वर्ब के बगैर हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते. ओके, नेक्स्ट जो के वर्ड ऑर्डर के अंदर जो थर्ड पार्ट है सेंटेंस का वो है ओके क्लासिफिकेशन ऑफ अ सेंटेंस के अंदर. क्लासिफिकेशन ऑफ अ सेंटेंस के अंदर जो थर्ड पार्ट ऑफ वर्ड ऑर्डर है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर वो है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है.
अगर एक सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, अगर हमें एक सेंटेंस कंप्लीट और फुल मीनिंग दे रहा है, तो वहां ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑप्शनल। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, विदाउट ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, तो यहां पर हम तीन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं सेंटेंस क्लासिफिकेशन के अंदर, सब्जेक्ट, द वर्ब, द ऑब्जेक्ट, दीज आर थ्री मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। इफ द सेंटेंस कैन बी कंप्लीट विदाउट द ऑब्जेक्ट, इफ इट गिव्स अ सेंस देन इट इज कंप्लीट सेंटेंस, इफ डज नॉट गिव सेंस देन इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, सिंपल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। कौन से दो पार्ट्स हैं? एक है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। व्हिच आर टू पार्ट्स? द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आइए देखते हैं कि सेंटेंस का पॉजिटिव पार्ट कौन सा है और सेंटेंस का नेगेटिव पार्ट कौन सा है। देखें, ये सेंटेंस का पॉजिटिव पार्ट है, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर वन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स कॉफी। सेंटेंस नंबर वन ऑफ द पॉजिटिव सेंटेंस इज ही लाइक्स कॉफी, यू नो ही लाइक्स कॉफी। तो दिस सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस को हम नेगेटिव इस तरह से बनाएंगे, ही डज नॉट लाइक कॉफी, ही लाइक्स कॉफी, He likes coffee, he does not like coffee. He likes coffee, he does not like coffee. तो एक sentence positive sentence है, दूसरा sentence क्या है? Negative sentence है. Assertive sentence के अंदर sentence number 2 है, We watched film last night. We watched film last night. This is the positive sentence. Positive sentence. We watched film last night. Okay? How would we make it negative? We did not watch film last night. This is the negative sentence. This is the negative sentence. Of the positive, okay. The third sentence is they played trick with the friends. They played trick with the friends. This is the positive sentence. They played trick with the friends. What is its negative? They did not play trick with the friends. This is its negative sentence. They did not play trick with the friends. So, students, आज जो हमने टॉपिक सीखा, वो टॉपिक सीखा टाइप्स, काइंड्स, पार्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अ सेंटेंस के बारे में, जिसका पहला पार्ट था वो था पॉजिटिव सेंटेंस। सेंटेंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो है द पॉजिटिव, द असर्टिव, द पॉजिटिव, द असर्टिव, द डिक्लेरेटिव और द सिंपल सेंटेंस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ अ सेंटेंस, ऑफ द सिंपल सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हमें क्या बताता है? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस हमें सिंपल स्टेटमेंट वाली एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और नॉर्मली ये फुल स्टॉप पर एंड होता है। इसका यूजुअल वर्ड ऑर्डर क्या है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का? यूजुअली जो वर्ड ऑर्डर है वो है द सब्जेक्ट, द वर्ब, द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। इफ द सेंटेंस इज गिविंग फुल सेंस और फुल मीनिंग, देयर इज नो नीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इट हैज टू पार्ट्स। द पॉजिटिव सेंटेंस हैज गॉट टू पार्ट्स, नंबर वन द पॉजिटिव, नंबर टू the negative. For example, he likes coffee, this is the positive sentence. He does not like coffee, this is the negative sentence. He watched film last night, he watched film last night, he did not watch film last night. Third one is they played trick with their friends, that is positive, they did not play trick with their friends. So the students, this was all about the declarative, the assertive or the simple sentence. See you after a short break in the next video, in the next part of the types of sentence. Take care.